नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। व्यापारियों को व्यापार करने की दे अनुमति, स्टेशन पर 97 आरटीपीसीआर टेस्ट हुए, गरीबों के लिए शिव भोजन केंद्र शुरू। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। व्यापारियों को व्यापार करने की दे अनुमति। व्यापारियों को लॉकडाउन में शिथिलता देकर नियमों के तहत व्यापार करने की अनुमति देने की मांग को लेकर नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अश्विन मेहाड़िया के नेतृत्व में मनपा आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। व्यापारियों को लॉकडाउन में शिथिलता देकर नियमों के तहत व्यापार करने की अनुमति देने की मांग को लेकर नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अश्विन मेहाड़िया के नेतृत्व में चेंबर के पदाधिकारी ने जिलाधिकारी रविंद्र ठाकरे, मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी और अतिरिक्त मनपा आयुक्त राम जोशी को ज्ञापन सौंपा। मेहाड़िया ने कहा कि पिछले साल भी लॉकडाउन से सर्वाधिक नुकसान छोटे व मंझोले व्यापारियों को हुआ था, बावजूद इसके सरकार ने उन्हें मदद के लिए कोई पैकेज नहीं दिया, करों में भी कोई छूट नहीं दी गई। इसके उलट करों के अनुपालन संबंधी कड़े नियम लागू कर जुर्माने की दर बढ़ा दी गई है। व्यापार बंद होने से निम्न वर्ग कामगार, हॉकर्स, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, चाय वाले, हाट ठेला मजदूर, फुटकर नाश्ता दुकानदार मानसिक रूप से भी बीमार होते जा रहे हैं। चेंबर के उपाध्यक्ष संजय के अग्रवाल ने कहा कि यदि व्यापार ही बंद रहेगा तो व्यापारी टैक्स कहाँ से भरेगा। 3 माह से व्यापार बंद होने से व्यापारी कर्मचारियों का वेतन देने में भी असमर्थ है। सचिव राम अवतार तोतला ने कहा कि वर्तमान में नागपुर में संक्रमितों में काफी कमी आई है, ऐसे में प्रतिबंधों में शिथिलता नियमों के साथ आर्थिक गतिविधियां शुरू करने की अनुमति देनी चाहिए। तो वही दूसरे और स्टेशन पर 97 आरटीपीसीआर टेस्ट हुए। बुधवार को 97 रेल यात्रियों की आरटीपीसीआर टेस्ट की गई। रिपोर्ट गुरुवार को आने पर यात्रियों के मोबाइल पर भेजी जाएंगी। विभिन्न मार्गों की ट्रेनों से आ रहे रेल यात्रियों की नागपुर रेलवे स्टेशन पर आरटीपीसीआर रिपोर्ट चेक नहीं हो रही थी। आलम यह था कि बगैर रैपिड एंटीजन टेस्ट के ही कई यात्री स्टेशन के बाहर प्रवेश कर रहे थे। बुधवार से मनपा की टीम द्वारा न केवल रैपिड एंटीजन टेस्ट बल्कि आरटीपीसीआर टेस्ट करना भी शुरू कर दिया गया। बुधवार को 97 रेल यात्रियों की आरटीपीसीआर टेस्ट की गई। रिपोर्ट गुरुवार को आने पर संबंधित यात्रियों के मोबाइल पर भेजी जाएंगी। तो वही तीसरे और गरीबों के लिए शिव भोजन केंद्र शुरू। प्रभाग क्रमांक 5 कांजी हाउस चौक में लॉकडाउन को देखते हुए जरूरतमंद नागरिकों के लिए शिव भोजन थाली केंद्र शुरू किया गया। प्रभाग क्रमांक 5 के कांजी हाउस चौक भोला नगर परिसर में लॉकडाउन को देखते हुए परिसर के जरूरतमंद नागरिकों के लिए महाराष्ट्र सरकार की योजना शिव भोजन थाली केंद्र शुरू किया गया। यहाँ गरीब नागरिकों को सरकारी योजना से निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इस अवसर पर युवक कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष कुणाल राउत, स्थानीय नगर सेवक संजय चावरे, पूर्व पार्षद सिंधुताई उइके, नंदा पंदरे, आपूर्ति विभाग के निरीक्षक राठौड़, विजया हजारे, राज पाटिल, बबलू गायकवाड़, सागर कुकड़े आदि उपस्थित थे। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।